यूजीसी रेगुलेशन 2016 में पीएचडी की एडमिशन जहां एनरोलमेंट के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं, इसके अनुसार इंडिया की हर यूनिवर्सिटी पीएचडी की एडमिशन या एनरोलमेंट टू स्टेजेस में करेगी। फर्स्ट इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आरईटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज इंटरव्यू और वाइवा वोका। इस वीडियो में हम टू स्टेजेस की फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पर कंडक्ट करना होता है। इस वीडियो में 6 एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, सेकंड इज नेचर ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, थर्ड इज मार्क डिवीजन, देन ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मेरिट, देन सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स गेन किए हों या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज गेन की हो। एलिजिबिलिटी के लिए 5% की रिलैक्सेशन दी गई है एससी कैंडिडेट्स को, एसटी कैंडिडेट्स को, ओबीसी को जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हो, इसके अलावा डिफरेंटली एबल कैटेगरीज को जिनको दिव्यांग भी बोलते हैं और पर्सन विद डिसएबिलिटीज भी बोलते हैं, इनको 5% की रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट, यूजीसी नेट, सेट, जीपीएटी एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं, उनको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा जिन्होंने रेगुलर एमफिल की डिग्री प्राप्त की हुई है उनको भी ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एमफिल उस सब्जेक्ट में की हो जिस सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में आप पीएचडी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकोलॉजी में एमफिल है तो फिर आप साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए ये टेस्ट नहीं दोगे। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ, 2016 की रेगुलेशन से पहले ये सब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप कंबाइंड टेस्ट होता था, लेकिन 2016 के बाद जनरली यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले रही है जिन एमसीक्यू फॉर्म्स के ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2016 ने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि दो भागों में ये टेस्ट डिवाइड होगा, फर्स्ट इज रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सेकंड इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक। इट मींस रिसर्च मेथडोलॉजी हर डिसिप्लिन या हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट को रीड स्टडी करना पड़ेगा, बेशक वो लैंग्वेज का हो, सोशल साइंस का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, मैनेजमेंट का हो। इसका मतलब है रिसर्च मेथडोलॉजी इस एंट्रेंस टेस्ट का कॉमन एस्पेक्ट हो गया। डिसिप्लिन स्पेसिफिक मीन अगर आप साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हो तो आपके आधे क्वेश्चन साइकोलॉजी में से पूछे जाएंगे, अगर आप लैंग्वेज के हो तो वो लैंग्वेज में से पूछे जाएंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो वो कंप्यूटर साइंस में से पूछे जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा था मार्क्स डिवीजन। सो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए यूजीसी ने 50% मार्क्स रखे हैं और 50% मार्क्स रखे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए। फोर्थ पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, जनरली 2 घंटे का ये टेस्ट रखा जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, कोई 1.5 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे तक टेस्ट ले सकता है, ये यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन होगा। जनरली 2 घंटे का ये टेस्ट होता है 120 मिनट्स में, और यूजीसी ने क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं, कम से कम 50% मार्क्स जो बच्चा गेन करेगा वो ही पीएचडी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ 50% मार्क्स गेन कर लेना काफी नहीं है, आपको मेरिट पोजीशन गेन करनी होगी, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरिट पोजीशन में टॉप में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आता है, हर हालत में यूनिवर्सिटी उस कैंडिडेट को सुपरवाइजर या गाइड प्रोवाइड करती है, एलोकेट करती है। जो लो मेरिट में स्टूडेंट्स आते हैं उनको कई बार सुपरवाइजर एलोकेट नहीं हो पाता। हाँ, अक्सर उन स्टूडेंट्स को जिनकी लो मेरिट होती है सुपरवाइजर खुद ढूंढना पड़ता। यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार कैंडिडेट को सुपरवाइज एलोकेट करना उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी जिस डिसिप्लिन में कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट एजुकेशन डिसिप्लिन में पीएचडी करना चाहता है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको सुपरवाइजर एलोकेट करेगा। सबसे पहले सुपरवाइजर टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स को एलोकेट किया जाता है, दूसरा स्टूडेंट्स को
सुपरवाइजर एलोकेट करते समय उसका रिसर्च एरिया मीन रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द स्कॉलर, आपका इंटरेस्ट एरिया जो है और सुपरवाइजर की स्पेशलाइजेशन जो है अगर उससे मैचिंग होती है तो अक्सर वो गाइड उसको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में है और साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर का की स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में है तो आपको वो सुपरवाइजर एलोकेट किया जाए। सिक्स्थ पॉइंट है सिलेबस ऑफ आरईटी एंट्रेंस टेस्ट। जनरली हर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन होने के बाद सिलेबस को वेबसाइट में अपलोड करती है। ये सिलेबस हर यूनिवर्सिटी को यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अनुसार ही बनाना होता है जिसके बेस पर आप अभी से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को समझने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखें। दो पार्ट में डिवीजन की गई है, ये पहले बात कर चुके हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक। जितने भी सिलेबस मेरे द्वारा ये स्टडी किए गए हैं उनमें ये पाया गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोर पेपर में से पूछे जाते हैं। कोर पेपर को समझना है तो आपके सब्जेक्ट का जब मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो तो उसमें कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं जो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। 80-90% सिलेबस या क्वेश्चन इन कोर पेपर में से ही पूछे जाते हैं, बाकी 10-20% जो ऑप्शनल पेपर जो आपके लास्ट सेमेस्टर में होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं। सो अभी से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आप अपने सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के कोर पेपर्स को रीड करना शुरू कर सकते हैं। जनरली हर कैंडिडेट इस पेपर में से 25-30-35 तक गेन कर लेता है। इसका मतलब है किसी भी हालत में कोई भी कैंडिडेट रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े बिना ना तो क्वालिफाई कर सकता है ना ही मेरिट में आ सकता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिलेबस या कौन से कंसेप्ट या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जिक्र आगे है। अगर आपने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखा है तो उसमें सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड का लगभग सारा सिलेबस आपको पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। इसके अलावा और रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स जो पूछे जा सकते हैं हर डिसिप्लिन में, बेशक आप साइकोलॉजी के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मेथड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड, एम्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, अप्रोचेस टू रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इसके बिना मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट जो हर रिसर्च मेथोडोलॉजी में होता है वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटर्नस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, हाइपोथेसिस मोस्ट कॉमन हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, रिसर्च हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, देन यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैंपल, इसकी स्टडी, सैंपलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, टूल्स ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ टूल्स, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड क्वेश्चनेयर, टेस्ट, इन्वेंटरीज, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक, देन मेजरमेंट स्केल, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस टेक्निक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस, फॉर एग्जांपल टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, अनोकोवा टेस्ट, काई स्क्वायर, देन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, मिक्स मेथड डिजाइन ऑफ रिसर्च। ये सिलेबस लगभग हर डिसिप्लिन में सेंट्रल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके लिए मैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हो। अगर आप क्लास ये अटेंड करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यस लिख दीजिए ताकि जल्द से जल्द ये क्लासेस शुरू हो सके। अच्छा, ये क्लासेस अटेंड करने का आपको डबल फायदा हो।
होगा वो कैंडिडेट्स जो यूजीसी नेट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके फर्स्ट और सेकंड पेपर की तैयारी भी इन्हीं क्लासेस में साथ साथ में होगी। इन क्लासेस में ये जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के पिछले पेपर हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं और साथ साथ में नेट के रेलेवेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे और साथ साथ में आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के कंसेप्ट विद एग्जाम्पल टीच किए जाएंगे। देखिए डरना मना है, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नेट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछा गया है, काई स्क्वायर इज टेस्ट ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट। तो जब आप एग्जाम्पल सामने रखोगे जैसे मैं टीच करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल को याद करोगे कि ये कौन सा टेस्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करवाते हो, सफिशियंट नंबर हो जाता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट का, तो मैं जल्द ही ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। और आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। थैंक यू।